तो दोस्तों, आपने अभी तक महंगे और आलीशान घर के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए की लागत आई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही टॉप 10 वाली वीडियोज मिलती रहती हैं। नंबर 10 पर है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसका निर्माण मैनहट्टन स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्लेस पर की गई है, जिसे ट्विन्स टॉवर के नाम से भी जाना जाता है, जो 9/11 के हमलों में नष्ट हो गई थी। ये इमारत 94 मंजिल की है और 1776 फीट ऊंची है, जो यूएसए की सबसे ऊंची इमारत है। इसके निर्माण में 3.8 बिलियन डॉलर की लागत आई है। नंबर 9 पे है पैलेस ऑफ द पीपल। संसद के महल के रूप में जाने जाने वाला ये महल बुखारेस्ट रोमानिया में है। हर साल इस पर बिजली, हीटिंग और लाइट के सिस्टम पर प्रतिवर्ष 6 मिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च होता है। इसका निर्माण 1997 में पूरा हुआ। 3.9 मिलियन वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में फैला ये भवन 70% खाली है। इस महल में कई सरकारी ऑफिस भी हैं, साथ ही ये रोमानिया का संसद भी है। इसको बनाने में 4 बिलियन डॉलर की लागत आई थी। नंबर 8 पे है द कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन लॉस वेगास स्ट्रिप पर स्थित है। ये 2010 में पूरा हुआ था और इसको बनाने में 4.1 बिलियन डॉलर की लागत आई है। इसमें सैंडिलियर बार में 2 मिलियन से अधिक कांच के मोती लगे हुए हैं। अपने बेहतरीन प्लेस और शानदार फैसिलिटी के कारण ये एक बेस्ट होटल्स में से एक बना हुआ है। नंबर 7 पे है व्यान पैलेस। व्यान पैलेस मकाऊ में स्थित है, जिसे 2016 में पूरा किया गया था। इसके निर्माण में 4.2 बिलियन डॉलर की लागत आई थी। इस आलीशान कैसीनो और रिसोर्ट में मकाऊ में कला का सबसे बड़ा संग्रह है। वर्तमान में 1706 आलीशान सुइट्स, एक स्पा, व्यास पैलेस, एस्प्लेनेड शॉपिंग मॉल के साथ और भी बहुत कुछ है। वर्तमान में इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसमें 650 कमरों वाला एक नया होटल, उद्यान, एक फूड कोर्ट और एक थिएटर शामिल है। नंबर 6 पे है रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोसा। इसमें यूनिवर्सल स्टूडियो, सिंगापुर थीम पार्क, एक मरीना, एक रिटेल स्टोर, एक कैसीनो और एक सी एक्वेरियम शामिल है। ये इमारत 2010 में बनकर तैयार हुई थी और इसको बनाने में 4.93 बिलियन डॉलर की लागत आई थी। रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोसा में लगभग 15,000 कर्मचारी काम करते हैं। नंबर 5 पे है एप्पल पार्क। कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में स्थित इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में एक विशाल रिंग के आकार की मुख्य इमारत, 7 कैफे, 9,000 पेड़, 1,000 सीटों वाला स्टीव जॉब्स ऑडिटोरियम और 1 लाख वर्ग फुट का फिटनेस सेंटर भी है। एप्पल पार्क के निर्माण में अनुमानित 5 बिलियन डॉलर की लागत आई है और इसमें 12,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। नॉर्मन फोस्टर द्वारा डिजाइन की गई इस गोलाकार मुख्य इमारत कांच और स्टील से बनी हुई है। नंबर 4 पे है सोफी स्टेडियम। सोफी स्टेडियम एक खेल स्टेडियम और एक एंटरटेनमेंट वाली प्लेस है, जो वर्तमान में लॉस एंजिल्स रैम्स और लॉस एंजिल्स चार्जर्स की मेजबानी कर रहा है। ये यूएसए में स्थित है और इसको बनाने में 5.5 बिलियन डॉलर की लागत आई है। नंबर 3 पे है मरीना बे सैंड्स। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर में स्थित एक लग्जरी रिसोर्ट है, जिसमें एक होटल, कैसीनो, मॉल, कन्वेंशन सेंटर, थिएटर, म्यूजियम शामिल है। इस होटल में 3 टावर हैं और सबसे ऊपर 340 मीटर लंबा स्काई पार्क है। इसको बनाने में 5.7 बिलियन डॉलर का लागत आया है। नंबर 2 पे है अबराज अल बैत। अबराज अल बैत टॉवर्स 7 होटलों का एक परिसर है। इस साइट में क्लॉक टावर, शॉपिंग सेंटर, अपार्टमेंट, ऑफिस भी शामिल है। इस ग्रुप में सबसे ऊंचा टावर मक्का रॉयल क्लॉक टावर है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी भी है। इस इमारत का निर्माण सऊदी अरब सरकार की देखरेख में किया गया है। इसे बनाने में 16 बिलियन डॉलर की लागत आई है। नंबर 1 पे है मस्जिद अल हरम। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल पर बनी मस्जिद अल हरम हज का केंद्र बिंदु है।
यह वार्षिक यात्रा सभी स्वस्थ मुसलमानों द्वारा अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य की जाती है। 100 बिलियन डॉलर की लागत से बनी यह इमारत अब तक की सबसे महंगी इमारत है। मक्का की महान मस्जिद मूल रूप से 7वीं शताब्दी से बनाई गई थी, तब से इसे दो बार विस्तार किया गया है और वर्तमान में यह विस्तार के तीसरे स्टेप में है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।